साफ अने भावना मोटी होय तो सफलता जरूर मळे छे। कईक आवी ज सफलता चंडीगढ़ना स्ट्रीट फूड वेन्डर संजय राणा ने मळी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए मन की बात कार्यक्रम में संजय राणाना वखाण कर्या। तमे पण जुओ केम आपणा पीएम ने गर्व छे चंडीगढ़ना स्ट्रीट फूड वेन्डर संजय राणा पर। चंडीगढ़ के स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा इन दिनों सुर्खियों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इनकी जमकर तारीफ की है। यूं तो संजय पेशे से एक स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में साइकिल पर रेहड़ी लगाकर छोले भटूरे बेचते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए और उन्हें जागरूक करने के लिए संजय जो काम कर रहे हैं वो बेमिसाल है। मैंने कहा जी मुझे कहता है कि प्लेट फ्री लगा दो पापा जी, अभी वैक्सीन लगाने वाला जो आएगा। अच्छा, तो मैंने डिस्कस करी घर में, कहते हैं ठीक है लगा दो जी। तो हमने लगा दीजिए, प्लेट फ्री खिलाते हैं। अच्छा। जो वैक्सीन लगा के आता है मैसेज दिखाता अपना और फिर खा जाते हैं। संजय चाहते हैं कि चंडीगढ़ के तमाम लोग जल्द से जल्द टीका लगवा लें, ताकि कोरोना महामारी के खतरे से चंडीगढ़ के लोगों को बचाया जा सके। संजय वैक्सीनेशन लेने वालों को मुफ्त में छोले भटूरे भी खिलाते हैं। हालांकि संजय की कमाई साधारण है, बावजूद इसके वो हर रोज टीका लेने वाले 30 से 35 लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला रहे हैं। करीब 2 महीने से लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संजय की तारीफ पंजाब के गवर्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाते हैं और साइकिल पर छोले भटूरे बेचते हैं। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाने के लिए आपको दिखाने पड़ेगा कि आपने उसी दिन वैक्सीन लगवाई है। संजय का कहना है कि उन्हें लोगों की सेवा करने की प्रेरणा अपनी बेटी और भतीजी से मिली। वहीं इनकी रेहड़ी पर आए लोग भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। लोगों का कहना है कि संजय चंडीगढ़ की शान है, जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। इन्होंने कैसा काम किया है जो पूरी दुनिया में अच्छा इतना बढ़िया मैसेज है जो कोई नहीं कर सकता। मेरा पड़ोसी है और जितना बढ़िया काम इसने किया उतना आज तक मैंने देखा नहीं। तो क्या हुआ, संजय पैसे वाले नहीं हैं, इनके इरादे इतने मजबूत हैं कि आज इन पर देश को नाज है। बेशक स्ट्रीट फूड वेंडर संजय राणा ने अपने इरादे से साबित कर दिखाया है कि नियत साफ और भावना बड़ी हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी नजीर कायम की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।